हाय फ्रेंड्स, आपण मानक मो चैनल को बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, आज मुझे सहित लहुणी केमी प्रस्तुत करेंगे सेयर करी। आशा करूँ आप आज मोर यही भिडियोटी भल लगे। भल लगे प्लीज फ्रेंड्स लाइक सेयर सब्सक्राइब करने को जमार भी भूलें। तो चलतु स्टार्ट करवा। देखु मुझे गोटे एयर कंटेनर डबारे 8-10 दिन क्षीर रु सर बाहर करी फ्रिज्रे रखी थी। एबे आमे एथिरु लहुणी बाहर करिबा। देखंतु मु आज आपण मानकु बिना दही रे लहुणी बाहर करके देखेबी आ केते सुंदर लहुणी बाहर करछि सेटा आपण माने वीडियो टिकु लास्ट पर्यंत देखंतु जानि परिबे। आज मु आपण मानक सहित ग्राइंड करी केमिति लहुणी बाहर करिबे देखेबी। जदि आपण मानकु आज रही वीडियो टि भल लागछि ताले प्लीज गोटे लाइक कर दियंतु। मु इथि जार नेछि, ठंडा पानी नेछि, आपण चाहिले आइस मध्य यूज करें। मुझे दीटा प्लास्टिक रो बाउल नहीं द्वारा कि आम लहुणी बाहर करा बेले जमा भी लगभग से रखु। आपण मैंने जिते बड़े लहुणी बाहर करेंगे तो से ही समय रे ही फ्रिज रु बाहर करके सर को आने। एवं सर को जारे पकेबा। मुझे 2 चामच ही सर पकाउची कहीं ना बहुत पकईदे लहुणी बाहर बनी ठीक से आ सब ऊपर पटे बाहर पड़ो। देखु प्रथम मुझे पानी दौनी ताकू प्रथम एमती ही ग्राइंड करवा जहाद्वारा कि मोर लहुणी ठीक से बाहर। तो एमती गोटे रु 2 सेकंड चलेबा परे ताकू बाहर करके देखिबा। देखंतु एबे हमर लहुणीटा पूरा चिकण हो जाए। यह समय रे आमे अल्प टिके पानी देबा, बहुत पानी देबेनी ऊपर को बाहरी पड़िबो, अल्प टिके पानी देबा। आपण चाहिले एबे आइस मध्य दे पारिबे। एबे आमे आकु पुणी ग्राइंड कर नबा। देखंतु बहुत थर तो एमती ग्राइंड करने समय रे ही लहुणी बाहरी पड़े, बट थरे थरे एमती बाहर नहीं। आपण मैंने तो जानते घरे माँ मैंने केमती लहुणी बाहर करते माने खुआ रे बुले कि लहुणी बाहर करते आम तो आगे सेमती खुआ बुले कि लहुणी बाहर करमती ग्राइंडर में लहुणी बाहर करूँ। बहुत बढ़िया से लहुणी बाहर। देखु एवं आमर ग्राइंड हो गला। एवं आम प्लास्टिक बाउल को बाहर कर ना। एबे आमे सेम प्रोसेस रे अल्प अल्प कर सबुतक सर को ग्राइंड कर नबा। देखंतु एबे मु सबुतक सर को ग्राइंड कर नेली। एबे आमे एथिरे जार को पिंछुले की पानी दे दबा। आउ देखंतु मु एथि ठंडा पानी ही यूज करछि। देखंतु मु एथि एमती गोटे मिक्सर नेछि। जदि आपण चाहिले एथिरे मध्य खुआर जमी बुला हुए तो एमती मध्य स्टील रे रखी थी बुले पारे, बट मुझे आपण मान को हाथ में ही बाहर करी लहुणी देखेबी। देखु मुझे बाहर करने रखु लहुणी बाहर पर्यटन आम कंटिन्यू एमती हाथ में बुलेबा। देखु कि समय एमती हाथ में कलापर अटोमेटिक आम लहुणी केमती ऊपर को बाहरी आसला। देखंतु केते सुंदर भाव में आमर लहुणी ऊपर को बाहरी आसला। देखंतु मु एबे लहुणी को आउ गोटे बाउल रे पुणी भल भाव धोई नौ जहाद्वारा कि तार क्षीर पानीटा बाहरी पड़िबो। नचे जेते बेले आपण घी बाहर करेंगे तो घीटा बहुत दिन पर्यंत भल भाव रही।
ଏମିତି ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇକି ଲହୁଣୀରୁ କ୍ଷୀର ପାଣି ପୁରା ସଫା କରିକି ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଘିଅଟା ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଲହୁଣୀ ବାହାର କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଜମା ବି କିଛି ଲାଗୁନି, ଆପଣମାନେ ବାହାର କଲା ସମୟରେ ସେ ଆରାମସେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟିଲ୍ କିମ୍ବା ରସ ଡେକ୍ଚିରେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ତ ଘିଅ ଘିଅ ଲାଗିବ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସର ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଦହି ପକାଇକି ସର ରଖିଥିବେ ତାହେଲେ ଏ ପାଣିଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ିବେନି, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ବରହମପୁର ପଟେ ଏ ପାଣିକୁ ଚହ୍ଲା ପାଣି କୁହନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏ ପାଣିକୁ ଆପଣ ବହୁତ କିଛିରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଦେହ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏ ପାଣି ରଖେନି, ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ, କାହିଁକିନା ଘରେ କେହି ବି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଦହି ପକାଏନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା ଦହି ପକାଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲହୁଣୀ ବାହାର କରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦହି ପକାଇକି ରଖିଥିବେ ତାହେଲେ ଏ ପାଣିକୁ ଫୋପାଡ଼ିବେନି, ରଖିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଲହୁଣୀ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଆପଣ ଆକୁ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଘିଅ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବେ, ନଚେତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ରୁଟି କିମ୍ବା ପରଟାରେ ଉପରେ ଲଗାଇକି ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଲହୁଣୀ ତ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମର ଲହୁଣୀ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ମୋ ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।